होकर अपने घरों की तरफ चले जाओ। यहाँ पर खड़े होकर कोई फायदा नहीं है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, जब कम हो जाएगा आपको बता दी जाएगा। अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह देखेंगे। आप चलिए ऊपर वाले प्लीज, आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि दरिया जो ये सारा पुल है पुल के आसपास खड़े ना रहे, अपने घरों की तरफ चले जाए, हमारी मदद करें प्लीज। तो बार बार बोल रहा हूँ कि दरिया के पास खड़े मत रहे प्लीज, अपने अपने घरों की तरफ चले जाओ या सेफर एरिया वहां पर चले जाओ। ये जो पतिबाग के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन सबको हिदायत दी जाती है कि जो हमारा ये जो रोड नाला है ये पुल के पास, वहां पर वाटर लेवल सडनली इंक्रीज हो गया है। आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूं कि यहां से निकल के सेफर एरियाज में चले जाएं ताकि यहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे वाटर लेवल डाउन हो जाएगा हम आपको बता देंगे। अपने बच्चे जो भी या जैसे आप जाना चाहते हैं आप गुलाबगढ़ चले जाए, मटी वाली साइड चले जाए, बस सेफर एरिया में चले जाए। अगर यहाँ पे कोई यात्री है इसके घर में रुका हुआ है उसको भी हिदायत दी जाती है कि आप भी ऊपर चले जाएं, मत अठौली की तरफ को जाएगा या कोई उस तरफ जाने की कोशिश करे जिससे कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये मैं इस ये मैसेज देना चाहता हूँ आपको, ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी सेफ एरिया में चले जाए। हमें जान माल को बचाना है और सबको बचा के लेके चलना है। कोई जल्दबाजी में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करते जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो बारिश काफी ज्यादा हुई है, ये जो ऊपर एरिया जो कैचमेंट एरिया से हमारे जो सोटी के या मछलेट के वहाँ पर जंगल लैंड स्लाइड आने की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आप सबको हिदायत दी जाती है, सब लोकल्स हैं यहाँ के, बच्चे भी खड़े हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाएं। तो जो आपका गुलाबगढ़ में कोई अल्टरनेट कुछ है या कोई रिश्तेदार है वहाँ पर, ये आपको फिर से मैं हिदायत दे रहा हूँ कि जिसके पास कोई जगह नहीं है चाहे यात्री या कोई लोकल है वो हमारी संस्था खाली है वहाँ चला जाए, हमारा सीएफसी ओपन है वहाँ चला जाए, और फिर भी कोई कोर्ट नहीं है हमारा पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पर वो बैठ सकता है, ठहर सकता है, उसके बाद उसको जो अकॉर्डिंगली जो हमने ड्रेसिंग देनी होगी वो दे देंगे। थैंक यू।